वेलकम बैक। वीकली मैगजीन के पन्ने पलटते हुए हम आ गए हैं इसके सबसे खास पेज पर। मोबाइल बात से अब काम नहीं चलेगा। मॉडर्न फैमिलीज की है अब यही कहानी, लड़का हो या लड़की, बच्चे का आना यानी पैसा बहेगा जैसे पानी। ऐसे टाइम की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों पर खर्च की अब कोई सीमा नहीं रही। आखिर जो आपका है वो आपके बच्चों का ही तो है। यही बात अब बेबी केयर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां भी जान गई है। हर साल पैदा होते हैं 3 करोड़ बच्चे। 3 करोड़ बच्चों के 6 करोड़ माँ बाप, जिनमें अगर 10 से 15% बच्चे फैमिलीज में पैदा होते हैं जो साल भर में 6,000 से 8,000 रुपए खर्च करने में सक्षम है, तो अनुमान लगाइए कि भारत में ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है। बेबी केयर मार्केट के फ्यूचर पोटेंशियल का असर अभी से दिखने लगा है। एसोचैम के देश भर में किए गए सर्वे के अनुसार इस समय बेबी केयर प्रोडक्ट्स की मार्केट 3,000 करोड़ रुपए की है, जो 20% की दर से बढ़ रही है, और आने वाले 2 सालों में भारत में ये मार्केट 4,200 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। एक अनुमान के हिसाब से अब आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में अभी जो 20% की गति से बढ़ रहा है, ये 25-30% के हिसाब से बढ़ेगा। भारत में इस बढ़ती इंडस्ट्री के कई मतलब हैं। पहला ये कि बच्चों को सुविधा देने के लिए पेरेंट्स खर्च करने से नहीं हिचकते। ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज में एक ही बच्चा होता है जिस पर भरपूर खर्च किया जाता है। दोनों पेरेंट्स कमाते हैं तो खर्च करने की क्षमता भी अधिक है, इसीलिए वो बच्चों को महंगी और ब्रांडेड आइटम्स दिलवाते हैं। टीवी पर विज्ञापनों के कारण बच्चे खुद भी डिमांड करने लगे हैं। पहले से कहीं ज्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज, ज्यादा काम करने वाली महिलाएं, बढ़ती डिस्पोजेबल इनकम और परिवार के लिए कम समय, ऐसे ही कुछ कारणों की वजह से ये इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है। Households in the urban areas with the double incomes today, where people want to have a greater experience of having a child and want to ensure that they do the best for their children as well as have the best experience of being a parent. एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के बालों के प्रोडक्ट्स की मार्केट 40 करोड़ रुपए की है, जो 5% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। बच्चों की त्वचा के प्रोडक्ट 15% की दर से बढ़ रहे हैं, जिनकी मार्केट 400 करोड़ रुपए की है, और करीब 380 करोड़ रुपए की बेबी टॉयलेटरीज की मार्केट हर साल 20% की दर से बढ़ रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई बेबी केयर मार्केट में से एक है। ग्रोथ की एक बड़ी वजह बढ़ती डिस्पोजेबल इनकम, बाजार में उपलब्ध बेहतर प्रोडक्ट्स, पेरेंट्स में बढ़ती अवेयरनेस और बढ़ते कंपटीशन के चलते कंपनियां भी बेबी प्रोडक्ट्स का खुलकर प्रचार करती हैं। यानी कंपनियों को दूध के पांव पालने में ही नजर आ रहे हैं। कंज्यूमर्स टुडे आर एज अ वेरी स्मार्ट, दे आर गेटिंग स्मार्टर बाय द डे, मोर अवेयर, मोर क्रिटिकल। तो जो नहीं पसंद वो सीधा रिजेक्ट कर देते हैं, जो पसंद है वो एक्सेप्ट करते हैं। यू नीड टू प्रूव दैट यू आर वर्दी ऑफ देयर सिलेक्शन, देयर चॉइस। समय की कमी ने बेबी केयर प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन शॉपिंग को काफी बढ़ावा दिया है। फिलहाल एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार बेबी प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन मार्केट 200 से 250 करोड़ रुपए के बीच आंकी जा रही है। माना जा रहा है कि ये मार्केट एक साल के अंदर ही दोगुनी हो जाएगी। बहुत सी वेबसाइट्स अब सिर्फ और सिर्फ बेबी केयर प्रोडक्ट्स पर ही फोकस कर रही हैं। रिसेंटली काफी इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं, जैसे कि कीको है, लीप फ्रॉग, वीटेक, डिज्नी, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनका फोकस के प्रोडक्ट्स में बढ़ रहा है, जैसे कि यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन। सो धीरे धीरे ये सब इंडियन पेरेंट्स को जानकारी हो रही है। और रिटेल में FDI आने के बाद कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा और बाजार भी। श्वेता गुप्ता, जी बिजनेस। भारत में संयुक्त परिवारों की परंपरा रही है, लेकिन शहरों की रफ्तार जितनी बढ़ रही है, परिवारों का आपसी समय उतना ही घट रहा है। संयुक्त परिवारों में दादी नानी की गोद होती है, तो न्यूक्लियर फैमिलीज में होते हैं डे केयर सेंटर। अब लंगोट की जगह डायपर ने ले ली है और दाल के पानी की जगह पिलाया जाता है सेरेलैक। अब
लंगोटियाँ यार नहीं होते, पैम्पर बडीज होते हैं। 21वीं सदी है, जमाना बदल गया है। दादी नानी की लोरियों की जगह अमन खिलौनों ने ले ली है। दिल्ली में रह गए हैं सिर्फ 6% संयुक्त परिवार। देश में न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन बढ़ गया है। फैमिलीज आर गेटिंग स्मॉलर, मतलब फैमिली छोटी होती जा रही है आजकल, तो बच्चे के ऊपर आजकल पेरेंट्स ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट पर, उसके ओवरऑल ग्रोथ पे, हाइजीन पे, कंफर्ट पे। 82% वर्किंग कपल बच्चों को डब्बा बंद खाना ही परोस रहे हैं, क्योंकि ना तो उन्हें परंपरागत चीजें बनानी आती हैं और ना ही उनके पास बच्चों के लिए इतना समय है। वॉचिंग चिल्ड्रन ग्रो एंड मेकिंग श्योर कि वो ठीक ठाक ग्रोथ हो, उनको वो सपोर्ट मिले, उनको वो कल्चर इम्बाइब हो उनमें जो उस फैमिली का है। एंड यंगर पेरेंट्स आर आउट वर्किंग, उनके पास टाइम नहीं होता इतना, राइट, विच इज वाई सम ऑफ दिस रेडीमेड प्रोडक्ट्स एंड ऑल हैव स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड। एसोचैम की रिसर्च में भी ये पाया गया है कि जिन इलाकों में अभी भी संयुक्त परिवार रहते हैं वहाँ इन प्रोडक्ट्स की सेल कम है। पैक दूध की जगह माँ का दूध प्रेफर किया जाता था। स्किन की बीमारियों में दवाओं की जगह देसी नुस्खे और प्लास्टिक के खिलौनों की जगह लकड़ी के खिलौने यूज होते थे। ये जो आजकल पैक्ड फूड आ रहे हैं, इनके बदले हम बच्चों को घर के बनाए हुए अपने हाथ से और इतने प्यार से बनाए हुए हलवा या सूजी की खीर खिला पाए। और मैं कोशिश पूरी करती भी हूँ कि खिलाऊं, क्योंकि इसमें खिलाने का अपना मजा है, बनाने का भी और खिलाने में भी वो जो प्यार आता है उसका जवाब आज के पैक्ड फूड्स में नहीं है। समय की कमी के चलते डे केयर सेंटर्स और क्रेच का बिजनेस भी फल फूल रहा है, जिसके चलते इन क्रेचेस में भी बच्चों के प्रोडक्ट्स की डिमांड्स बढ़ रही है। चलिए अब नजर डालते हैं आज के जमाने में किए जाने वाले बच्चों के खर्च पर। डायपर ₹700, नोट ईयर सोप ₹300, शैम्पू ₹300, ड्राई कॉटन टॉवल ₹300, दूध ₹800, पाउडर ₹100, कॉम ₹20, मॉइस्चराइजर ₹200, बेबी हेयर ऑयल ₹50, बेबी मसाज ऑयल ₹250, ब्रश ₹30। देखा जाए तो मिला जुला कर इनकी कुल कीमत हो गई ₹3,050। 3,000 से 4,000 रुपए का खर्चा तो बेसिक है, लेकिन दोनों माँ बाप अगर वर्किंग हो तो पैसों की चिंता किसे है। डिलीवरी से लेकर खाने पीने की चीजों तक अब बच्चों को पैदा होने के साथ ही VIP ट्रीटमेंट मिलता है। बच्चों की डिलीवरी के लिए खास बुटीक हॉस्पिटल्स हैं, जो बच्चों की दुनिया में आने वाले माँ बाप के लिए एक खास एक्सपीरियंस बनाते हैं। इंडिया हैज सीन ग्रेट डेवलपमेंट इन चाइल्ड केयर ड्यूरिंग द रीसेंट इयर्स। वी हैव स्पेशलाइज्ड मैटरनिटी सेंटर। होटल्स जैसे इन हॉस्पिटल्स की कोशिश होती है कि खास लम्हों को और यादगार बनाया जाए। When they go into a hospital, बहुत बड़े बड़े टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स भी हैं जैसे, राइट, लेकिन वहाँ जाके उनको नॉर्मल नहीं महसूस होता। वहाँ पे आस पास पेशेंट्स होते हैं, मरीज होते हैं, इंजर्ड होते हैं, न्यूरो के पेशेंट्स होंगे, कार्डिक पेशेंट्स होंगे, राइट, एंड दीज लेडीज आर नॉर्मल। हैविंग अ बेबी इज द मोस्ट नॉर्मल थिंग इन द वर्ल्ड। बच्चों के प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो अब ₹10,900 की दूध की बॉटल, ₹21,000 के जूते, ₹68,500 का नापी बैग और ₹1,24,000 की प्राम खरीद सकते हैं। बच्चों की छोटी से छोटी चीज ₹10,000 से ₹2,00,000 तक के बीच मिलती है। भले ही इन बच्चों को ब्रांड्स की जानकारी नहीं हो, लेकिन माँ बाप तो ब्रांड कॉन्शियस हैं ही। आप बड़ों का ही देख लीजिए, जितना प्रोडक्ट्स एंड जितना वो अपने ऊपर खर्च करते हैं, दे डोंट थिंक ट्वाइस आई थिंक बिफोर स्पेंडिंग ऑन द चिल्ड्रन। माँ बाप के इस बेस्ट देने की चाहत में बड़े ब्रांड्स अपने ब्रांड नेम के जरिए बेस्ट मुनाफा बनाने में जुट गए हैं। मल्टीनेशनल ब्रांड इतना तो जान ही गए कि अपने बेस को मजबूत करने के लिए उन्हें बचपन से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। भले आज इम्पोर्टेड या फिर इंटरनेशनल ब्रांड्स की डिमांड ज्यादा है, लेकिन आने वाले समय में इंडियन ब्रांड्स भी इन्हें कड़ी चुनौती देगा। कनिका ऊर्जा, जी बिजनेस। समय की कमी के चलते माँ बाप डब्बा बंद खाने का रुख करते हैं, बच्चों के साथ खेल नहीं पाते तो खिलौना थमा देते हैं, लोरी गाने का समय नहीं है तो बच्चों को आया सुला देती है। भले ही बच्चों के लिए मार्केट में मौजूद प्रोडक्ट्स कंप्लीट न्यूट्रिशन देने की गारंटी देते हो, लेकिन क्या पालन पोषण के नए तरीके आपके बच्चे के लिए सचमुच सेफ है?
बच्चों के लिए क्या सेफ है और क्या नहीं, इस पर बहस जारी है। लेकिन परिवार चाहे संयुक्त हो या एकल, परिवारों में डब्बाबंद खाने के इस्तेमाल में बहुत तेजी दिखी है। भले ही छोटे बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन देने का वादा सभी विज्ञापनों में किया गया हो, पर डॉक्टर्स के मुताबिक जिस तरह माँ के दूध का रिप्लेसमेंट नहीं, वैसे ही ताजे फलों और सब्जियों का भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं। डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि बचपन से जिन बच्चों को डब्बाबंद खाना खिलाया जाता है, वो बहुत छोटी उम्र में ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। There is no match to the homemade products because ultimately we want the child to develop the taste of the family. जो घर में बनता है बच्चा वो खाना सीखे। That is very important. Complementary feeding के time gradually वो सब चीजें खिलाना जरूरी है जो कुछ घर में बनते हैं। That's why it's always recommended to give homemade products. यानी बाजार की सेहत बन रही है और बच्चों की सेहत का हो रहा है नुकसान। डब्बाबंद खाने के अलावा सब्सटैंडर्ड खिलौने भी बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारत में मुनाफा कमाती ज्यादातर इंडस्ट्रीज का एक बड़ा हिस्सा अनऑर्गेनाइज्ड है और बेबी केयर प्रोडक्ट्स भी इससे अछूते नहीं है। नेक्स्ट की रिपोर्ट के अनुसार 2014 तक अनुमानित 4500 करोड़ की इस इंडस्ट्री का सिर्फ 43% ही ऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज प्रोडक्ट्स में बिकते हैं सब स्टैंडर्ड खिलौने और जाने अनजाने में अगर आप लो क्वालिटी के खिलौने अपने बच्चे को दे रहे हैं तो उससे बच्चे के विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। डोंट लेट द टेक्नोलॉजी लीड यू, यू लीड द टेक्नोलॉजी। यूज योर ब्रेन व्हेन यू आर यूजिंग इट इन योर हाउसहोल्ड विद योर चाइल्ड एट योर वर्क। If you strike a balance between the two, you will really use it well. Science is not bad, but use it judiciously. Sandhya Nigam, Zee Business. अब वक्त हो चला है वीकली विजुअल मैगजीन में एक और एड का। इस एड ब्रेक के बाद जानते हैं स्टॉक और कमोडिटी मार्केट का हाल। देखते रहिए द वीकेंड एडिशन।